टेप ऑर्डर अकाउंट, क्या तुम सुन रहे हो? मैं चीरो, सेक्टर 10 में कोई गड़बड़ नहीं है एंड और स्केलेटन किंग का कोई अता पता नहीं है। चलो तैयारी कर स्पार्क। ठीक है छोटू, रुको। मैं अंतरिक्ष में कुछ चुंबकीय हलचल महसूस कर रहा हूँ छोटू। अजीब है, आओ हम जल्द से जल्द हेडक्वार्टर वापस चलें। क्यों, तुम्हें कहीं घूमने जाना है? मुझे नहीं, तो मैं तो ऐसे ही। चीरो को याद दिलाया जाता है कि आपका मनपसंद टीवी सीरियल द सन राइजेस 5 मिनट में शुरू होगा। जाओ छोटू, जाकर अपना शो देखो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। शुक्रिया स्पार्क्स। तुम जो भी हो, तुम्हारा पता लगा लूंगा। ओह, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? अरे ये सब क्या हो रहा है? शहर के बाहरी इलाके में घूमते हुए मुझे एक सुपर रोबोट पड़ा मिला। उसके बाद से मेरी जिंदगी प्लैनेट की चमत्कारी ताकतों से भर गई। रोबोट हमकी चाह उठे और मुझे चीरो को उनका लीडर बना दिया गया। हमारा काम शुगासुम शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। चीरो, स्पार्क्स कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो अभी तक वापस नहीं आया। रडार बता रहा है कि स्पार्क्स काफी नीचे उड़ रहा था। जब रास्ता बताने वाला बटन खराब हो गया तब वो गायब हो गया। मेरे हिसाब से वो जिस रास्ते पे जा रहा था वो रास्ता उसे इस इलाके में ले आया। ये ट्रेसगॉन कोराइडर है, जहाँ अंतरिक्ष के टूटे फूटे घिसे पीटे कचरे के अलावा और कुछ नहीं है। उसने कुछ चुंबकीय गड़बड़ महसूस की थी, उससे बात करने की कोशिश करो। हमें अपने सारे सिग्नलों की ताकत को एक करके अपनी रेंज बढ़ानी होगी। मंकी टीम टू स्पार्क्स, SPRX-771 जवाब दो। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई चीज उसके सिग्नल में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। अगर स्पार्क्स यहाँ होता तो वो खुद अपने आप को बचाने के लिए जाता। और हम भी यही करेंगे। Foot Crusher Cruiser 5, go! Thrust Rocket 4, go! Brain Scrambler Pilot 2, go! Also Tank Driver 1, go! Super! Robot! B Hyper! Force! Go! अरे किसी ने मंकी नहीं बोला। ये स्टेरिंग को क्या हो गया? Thrust Rocket 1 के न होने से जीरो कॉम्पनसेटर का बैलेंस बिगड़ गया है। कौन सी बड़ी चीज? ओ, ये बड़ी सी चीज। क्या हुआ? बुरी खबर है, फर्स्ट रॉकेट वन और स्पार्क्स के बिना हम ठीक से नहीं उड़ सकते। एक अच्छी खबर है, मुझे लगता है स्पार्क्स यहाँ है, वो यहीं कहीं होना चाहिए। मगर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? वाह क्या बात है, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा स्वर्ग देखा है? ऐसा कबाड़ खाने जैसा स्वर्ग? नहीं।
यहाँ आकर मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे लगता है स्पार्क्स के सिग्नल में बाधा डालने वाली चीज इस तरफ से आ रही है। अरे तुमने वो आवाज सुनी? दोस्तों वो देखो, उसे जरूर पता होगा कि स्पार्क्स कहाँ है। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। ऑटो, मुझे लगा तुम उसे पकड़ लोगे। मैं सोच रहा था स्पार्क्स उसे। ओह, मेरी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं है ऑटो, यहाँ दूसरी शक्तियाँ काम कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? ठहरो, सुनो। संभल कर रहना मंकी टीम, कोई हमें यहाँ पर लाया है। शायद ये काम इन लोगों का है। हाँ, ये भी उसी चुटकू की तरह भाग जाएंगे। हाइपर फोर्स फॉर्मेशन ओ, जीरो जीरो, वॉल डिस्रप्टर, टॉर्नेडो ब्लास्टो। नोआ मदद करो। लेडी कमान, आप सब ठीक तो है? मैं तो भूल ही गई, ओ फॉर्मेशन में स्पार्क्स हमारे पीछे खड़ा रहता है। ये तो बहुत सारे हैं। हमारे सामने इनकी कोई गिनती नहीं है। क्या ये इतने हैं कि इनसे जीतना मुश्किल है? टिकटॉक टिकटॉक रीस मूवी, मेहमानों का स्वागत इस तरह नहीं किया जाता। TuneNetworkIndia.co.in। माफ कीजिएगा, मेरे सिपाही बड़ी लगन से काम करते हैं। मैं हूँ लॉर्ड स्कॉर्पियन, आपका होस्ट वर्जन 2.8, मैं का रेल्म का ग्रैंड अर्न। मैं हूँ चीरो और ये सब है। बड़े अनोखे लोग हैं, ऐसे लोग तो मैंने आज तक नहीं देखे। ओ, ये मशीन जैसे दिखते हैं, इन्हें इकट्ठा करने में तो आपको सालों लग गए होंगे। वैसे मुझे भी इनका शौक है। हाँ, हम भी इसलिए यहाँ आए हैं, हमें से एक गुम हो गया है, उसका रंग लाल है। लाल रंग वाले तो हमेशा गुम हो जाते हैं, है ना? इसका जहाज यहीं कहीं गायब हुआ है, हम सोच रहे हैं शायद आपने उसे देखा हो। मैंने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। आओ चिरो, मेरे साथ एक कमरे में चलो, मैं वहीं पर अपने स्कैनर्स रखता हूँ। हम तुम्हारा खोया हुआ मंकी जरूर ढूंढेंगे। आ जाओ मेरे साथ चलो। स्पार्क्स के सिग्नल में जो रुकावट थी उसके संकेत इस तरफ से मिल रहे हैं, वो यहीं कहीं है। सही कहा, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है, पागल लगता है। मैं उसके साथ रहता हूँ, तुम उस सिग्नल का पता करो। चिरो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मंकी से यहाँ इंतजार करेंगे और जो चाहे करें, मेरे राज्य में वो कहीं भी घूम सकते हैं। उसने हमें फिर अलग कर दिया। चलो स्पार्क्स को ढूंढते हैं। जब मैं मनुष्य था तब किसी ऐसी जगह की कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या आप एक मनुष्य थे? हाँ, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी एक टांग ही नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल नहीं, उसके बाद से तो मेरा शानदार समय शुरू हुआ। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। हाँ, वो मेरी जिंदगी के सबसे बढ़िया दिन थे। लेग नंबर वन, सीरियल नंबर GH11929, ऑफ टीम की एक शानदार रचना। वो मेरी पहली मशीनी टांग थी, लेकिन मुझे उसकी जोड़ी चाहिए थी, पर मेरे लिए ये काफी नहीं था। टिकटॉक टिकटॉक।
टाइटेनियम ने हड्डियों की जगह ली, मेरे फेफड़े ईंधन बनाने वाले कार्बोरेटर बन गए। फिर मैं हाड़ मास से बना मनुष्य नहीं रहा, मैं एक मशीन बन गया। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। आपने अपने शरीर के सारे हिस्से बदल दिए? नहीं, उन्हें बेहतर बना लिया, क्योंकि मुझे सारे अंग एक जैसे चाहिए थे। टिकटॉक टिकटॉक। हम उस चीज के नजदीक पहुँच रहे हैं जो स्पार्क के सिग्नल में रुकावट डाल रही है। TK421, जानते हो मैं इससे क्या बना सकता हूँ? इन्हें मैं देखता हूँ। ठीक है। नोवा, हमें उस दरवाजे से बाहर जाना है। मानना पड़ेगा स्टेपटन को, बड़े मजबूत दरवाजे बनाए हैं उसने, पर मैं हर चीज तोड़ सकती हूँ। बस मुझे एक धागा चाहिए। घर आ गया, घर आ गया, मेरा प्यारा घर आ गया। वाह, क्या सिंहासन है! शानदार है बच्चे, इसी शक्ति का सिंहासन भी कह सकते हैं। ये न्यूट्रॉन जनरेटर भी है, पूरे इलाके में पावर पहुंचाता है। थोड़ा सा गड़बड़ है, पर यहाँ ग्रेविटी फील्ड बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये क्या था? डरो मत, मेरा टिकटॉक टाइम जरा बिगड़ गया है। हेलो मिस्टर कॉक्सवर्थ, ये कॉगी बहुत ही बढ़िया चीज है, सबसे अलग है, इसके आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं। सच कहूँ तो इस जगह को बनाने का आइडिया कॉगी का ही था। अच्छा, पर वो स्कैनर्स कहाँ है जिनकी आप बात कर रहे थे? मुझे अपनी दोस्त की फिक्र हो रही है। हाँ बताता हूँ, मगर पहले देखो तो सही मेरे पास क्या क्या है। टिकटॉक, ये सब बेशकीमती चीजें हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो सन राइडर्स है, आपके पास इसका पूरा सेट है? जब तक पूरा सेट ना हो तब तक मजा कैसे आएगा? सुपर पॉसर, अरोरा सिक्स और जॉनी सनस्पॉट की साइड का भी। मैं हमेशा से किसी ऐसे आदमी की तलाश में था जिसे मेरी तरह चीजें इकट्ठी करने का शौक हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा जीरो। शुक्रिया, लेकिन मेरी बात सुनिए, मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है, इसलिए मुझे ये तो फिस्ट रॉकेट है। हाँ, असल में मैंने तुम्हें धोखा दिया है टिकटॉक, मैं बुरा स्क्रैपर्टन हूँ, जब से मैं मनुष्य था तभी से ये आदत है। मेरा मंकी कहाँ है बताओ? स्पार्क्स, स्पार्क्स, मैं देखता हूँ। उसने मेरे हाथ ले लिए, मेरे सुंदर हाथ, और मुझे ये हाथ दे दिए, शायद ये उसी के हाथ है। क्या तुम उंगलियों से करतब दिखा सकते हो? ये तुम्हारे लिए है। हाँ? लो, अब तो खुश हो? स्पार्क्स, तुम ठीक तो हो ना छोटू? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे तो हाथ मनुष्य जैसे हो गए हैं। इसे अपने मैग्नेट वाले हाथ वापस दे दो। टिकटॉक, अभी मुझे उनकी जरूरत है, मैं वो हाथ नहीं दे सकता। मेरे कुछ प्लान है, बड़े बड़े प्लान। तो लाल मंकी ने क्या कहा था? ओ हाँ, मैग्ना बॉल ब्लेस्टर, रिपल्सर रे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ चीरो। कम से कम तुम्हारे पास हाथ तो है। हाँ ठीक है, पर ये कितने अजीब हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? क्या हम अलग हो जाएं? ये गलती मैं पहले भी कर चुका हूँ स्पार्क्स, हम सब अलग रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सबको एक साथ रहना होगा। पता है स्पार्क्स यहाँ मौजूद होता तो क्या कहता? मैं कहता ठीक कहा बच्चे। Oh,
ही मेरे पास सारी दुनिया की चीजें आ जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे, वो मेरा घर है। अगर मैं मनुष्य होता तो शायद मुझे बहुत चोट लगती। मैं स्क्रैपेटन को देखता हूँ, तुम उसकी मशीनों को संभालो। पर कैसे संभालूं, मेरे तो हाथ ही नहीं है। ये देखो, और ये हाथ तो बिल्कुल बेकार है। धातु से बना हूँ। Warning, destructo blade! तुम सचमुच चालाक लड़के हो। हेलो गिब्सन। पकड़ लिया। जीरो, आखिर मैं ये सब ले ही लूंगा, बेहतर है तुम अपनी होशियारी छोड़ दो। क्या? टिकटॉक, उसे ठीक करता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे? बॉक्स वहाँ से फौरन हट जाओ, तुम सब कुछ तबाह कर दोगे। कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ की ग्रेविटी को इसी से ताकत मिल रही है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मशीन ओवरलोड हो रही है। भूल जाओ उन चीजों को स्क्रैपिटन, आओ चले। मुझे छूना मत, मैं अब नई तरह की चीजें इकट्ठी करूंगा। हाँ, रुक जाओ। चलो छोटू, हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर हम सुपर रोबोट तक चलकर तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। जरूरत ही नहीं है। मैं इन हाथों से क्या कर सकता हूँ। कितने कमाल के हाथ है ना। तुम्हें इन हाथों की जरूरत नहीं है स्पार्क्स। शायद मैं पीठ खुजाने के लिए इन हाथों का इस्तेमाल कर सकता था। ओ, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। इस स्कैन से स्क्रैपटन का कोई भी संकेत बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। न्यूट्रॉन जनरेटर के खराब होने के बाद वो राख बन चुका होगा। सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स, चलो घर चले।